हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये Alto 800 गाड़ी है, VXI गाड़ी है ये Alto 800। तो इसके म्यूज़िक सिस्टम का रिव्यू करने वाले हैं, इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे जो 2019 में इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें इंक्लूड कर दिया है। और ये नई वाली Alto 800 है, इसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो इसी का मैं आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बताऊंगा, कैसे इसको यूज़ करना है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को। तो मैंने इग्निशन को ऑफ करके एक बार ऑन कर देता हूँ। इग्निशन ऑन कर लिया है हमने, तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम Alto 800 का है। और इसमें आपको फीचर्स के बारे में बता देता हूँ मैं। इसमें आपको USB और AUX दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें मोबाइल कनेक्ट करके चार्ज भी कर सकते हैं और मनपसंद के गाने भी सुन सकते हैं आप। इसमें CD का ऑप्शन नहीं दिया गया है इसमें, तो CD इसमें प्ले नहीं हो पाएगी। चैनल को सर्च कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आपको नोबो पे क्रोम फिनिश दी गई है, ये वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए है। वॉल्यूम को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं यहाँ से। और ये पावर बटन का भी काम करता है, तो प्रेस करके रखेंगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ हो जाएगा, और एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो दोनों काम करता है, पावर बटन का भी और वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने का भी। और यहाँ से आप फ़ोन आप ना कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है इसमें। तो फ़ोन कनेक्ट करके यहाँ से फ़ोन को उठा भी सकते हैं और यहाँ से डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों फीचर्स दिए गए हैं। फ़ोन ही कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, फ़ोन ही के बटन्स दिए गए हैं इसमें। तो यहाँ से आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए पेयरिंग का ऑप्शन आया हुआ है इसमें, तो ब्लूटूथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, यानी आपको AM यानी रेडियो और ब्लूटूथ का भी ऑप्शन दिया गया है इसमें, और FM का भी, यानी तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से आप ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, FM सुन सकते हैं और रेडियो भी सुन सकते हैं। यहाँ से आप मोड चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। और ये डिस्प्ले का बटन है, यानी जो भी फीचर्स इसमें आप चलाएंगे मोबाइल द्वारा कनेक्ट करके तो ये डिस्प्ले में शो करेगा, यहाँ से कनेक्ट करके। तो डिस्प्ले का बटन दिया गया है। और ये मेन्यू का है, तो इसमें आप साउंड सेटिंग कर सकते हैं। देखिए मेन्यू में जाके बेस को अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। एक बार प्रेस करेंगे तो टेबल को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं मेन्यू में। और यहाँ से फ़ोन को डिसकनेक्ट कर सकते हैं। ये ट्यून का बटन हो गया, क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। और अगर आप ये सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए, और वॉल्यूम को बढ़ाने का ऑप्शन तो यही था, और म्यूट करना है तो म्यूट का भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है। देखिए म्यूट हो गया, तो एक बार प्रेस करेंगे तो ये म्यूट भी हो जाएगा। अब मैं इसकी वॉइस क्वालिटी दिखा देता हूँ फुल वॉल्यूम करके। तो मैंने इसका फुल वॉल्यूम कर दिया है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसकी वॉइस क्वालिटी भी दिखा दी फुल वॉल्यूम करके। तो इसमें दो ही स्पीकर दिए गए हैं, फ्रंट के डोरों में ही मिलेंगे दो स्पीकर। इसमें दो ही स्पीकर दिए गए हैं, और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं VXI गाड़ी है। तो जो फीचर्स थे मैंने बता दिए इंफोटेनमेंट सिस्टम के, और रिव्यू का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को,
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।